हे गाइस, आईकू लॉन्च कर दिया आईकू U1X एंड ये आज ही चाइना में लॉन्च किया गया। एंड इस फोन में आपको क्या मिलेंगे सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में इसका प्राइस भी बताएंगे क्या कब तक ये इंडिया में आ सकता है एंड क्या प्राइस हो सकता है इस फोन का, तो सब कुछ बताएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे वीडियो जाकर देखने के लिए एंड वीडियो अच्छे लगे तो जोर से लाइक कर देना। तो फिर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिस्प्ले, तो 6.5 इंच का एक HD प्लस IPS डिस्प्ले मिलता है 720x1600 पिक्सल्स। इसका जो प्राइस निकल का आया ना उसके हिसाब से भाई इसका जो डिस्प्ले है HD इधर फुल HD देना चाहिए था, बट एक बजट कैटेगरी फ़ोन है, मेरे हिसाब से इधर फुल HD देना चाहिए था IQOO को, ठीक है। एंड बात करेंगे इसकी प्रोसेसर, तो इधर आपको स्नैपड्रैगन 662 वाला एक प्रोसेसर मिलेंगे जो हर बजट कैटेगरी के फ़ोन में देखने के लिए मिलता है, एक बजट कैटेगरी के प्रोसेसर है ये, ठीक है। एंड अच्छा है, ठीक ठाक है, आपके सारे के टक्स एंड थोड़ा हल्का फुल्का गेमिंग भी आप कर पाएंगे आराम से, ठीक है। एंड इस पर आपको साइड माउंटेन फिंगर भी स्कैनर देखने के लिए मिल जाएंगे, आपको रेयर पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। साइड माउंटेन मिलता है तो थोड़ा सा डिज़ाइन में थोड़ा सा अच्छे इधर हो जाते हैं। एंड बात करेंगे इसकी कैमरा, तो भाई इधर आपको तीन कैमरा मिलेंगे, 13+2+2 तीन कैमरा मिलता है, साथ में 8 मिसल का एक वाटर ड्रॉप नॉच के साथ सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। पंचोल दे सकते थे बट नहीं दिया, कुछ नहीं कर सकते बट दे सकते थे, ठीक है। एंड बात करेंगे इसकी बैटरी, तो इधर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेंगे, साथ में 18W का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। तो 5000 mAh बैटरी एंड 18W फास्ट चार्जिंग आपको एक दिन आराम से निकल जाएंगे। तो भाई बात करेंगे इसकी अदर कनेक्टिविटी, तो इधर आपको 3.5mm फोन जैक देखने के लिए मिल जाता है। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट मिल जाएंगे, साथ में तो IQOO का UI रहेंगे एंड जितने भी सेंसर्स है जायरो कॉम्पस एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मैंने पहले ही बोला एंड लाइट एम्बियंट लाइट सेंसर आपको मिल जाता है। एंड बात करेंगे फाइनली इसकी प्राइस, तो भाई इधर आपको तीन वेरियंट में ये फ़ोन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 464 एंड 6128 464 का प्राइस है भाई चाइनीज़ में 8099 चाइनीज़ में, ठीक है, चाइनीज़ यन में, इंडियन रुपये में होता है 9925 रुपीज़। एंड जो अपर वेरियंट इसका 6GB रैम 64GB स्टोरेज उसका चाइनीज़ में प्राइस है 999 एंड इसका इंडियन रुपये में होता है 11000 रुपीज़। एंड इसका जो अपर वेरियंट है 6GB रैम 128GB स्टोरेज उसका प्राइस है भाई 1199 चाइनीज़ यन एंड इसका इंडियन रुपये में होता है 13200 रुपीज़। तो इस प्राइस में इसको लॉन्च किया गया, मेरे हिसाब से ये ओवर प्राइस है एंड आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। HD डिस्प्ले दिया, 662 का प्रोसेसर दिया इधर एंड 5000 mAh बैटरी, 13 मेगापिक्सल चल जाते हैं कोई दिक्कत नहीं एंड 5000 mAh भी ठीक है एंड 18W का फास्ट चार्जिंग भी अच्छा है, ठीक है, चल जाएगा। बट इधर HD दे सकते थे एंड स्नैपड्रैगन के बजाय आपको अगर G8 मिलता तो बहुत ही बढ़िया होता। एंड भाई ये फ़ोन आपको शायद नेक्स्ट मंथ के मिडिल तक आपको देखने के लिए मिल सकता है। एंड इसका प्राइस क्या होने वाला है, इसका प्राइस इंडियन रुपी में ये आपको जो इसका अपर वेरियंट 6 128GB ये आपको 11-12000 में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि इधर आपको 662 का प्रोसेसर मिलता है एंड इसी प्राइस में आपको बहुत ही बड़े मतलब बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर मिलता है, जैसे G80 होगा, G85 होगा, ऐसा प्रोसेसर मिलता है। तो मेरे हिसाब से आपको इससे बढ़िया मतलब ये इसी प्राइस में आने वाला है एंड जो इसका लोअर वेरिएंट है ये आपको शायद 9000 या 8500 में मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा वीडियो बन गया, तो वीडियो आपको कैसा लगा ये फ़ोन आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं एंड मुझे उतना अच्छा नहीं लगा एंड आपको कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट्स करके बताएंगे, ठीक है, बताना। तो वीडियो इतना ही था, अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे वीडियोज आगे देखने के लिए। तो वे चलते मिलते किसी दूसरे और एक इंटरेस्ट के लिए, बाय बाय।